हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको अपडेट देंगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 का, जो कि शुरू होता है NH 709 से और ये पैकेज जो है एंड होता है NH 352A पर जींद गोहाना हाईवे पर। टोटल जो इसकी लंबाई है इस वाले पैकेज की वो है 27 किलोमीटर। CDS इंफ्रा जो कंपनी वो इसे बना रही है। और अब हम चलेंगे NH 709 से और NH 352A तक। NH 709 से हम आगे चल रहे हैं। इससे आगे चलने के बाद में एक रेलवे ओवरब्रिज है, वो भी अब कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ा सा ये लेट आया क्योंकि इसमें ड्रोन फुटेज मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ड्रोन की बैटरी कम हो गई थी और पैकेज 1 में इसमें बना चुका था, तो इसका सरफेस से ही मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये NH 709 से और 352A तक 27 किलोमीटर ये बिल्कुल तैयार है। इसमें बाई रोड गए हैं और बिल्कुल स्मूथ में गया हूँ, कहीं भी कोई ऑब्स्टेकल इसमें नहीं मिला है, बिल्कुल ये कंप्लीट है। इसमें लेन मार्किंग मोस्टली जगह हो चुकी है, ये देखिए, मतलब बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें ऐसा कोई जो फिनिशिंग का काम है वही बचा हुआ है और मेजर इसमें कोई काम अभी नहीं बचा है। अभी हम इसमें फेस 1 में हैं, फेस 1 के पैकेज 2 में। ऐसे ऐसे इसमें 15 पैकेज हैं, मतलब जो फेस 1 है वो है 398 किलोमीटर का, जसोर खेड़ी से गुरदासपुर तक का, और उसमें शामिल है अमृतसर का जो स्पर है 99 किलोमीटर का, वो भी शामिल है 15 पैकेज में। 3 पैकेज उसके लिए हैं और 12 पैकेज यहाँ से गुरदासपुर के लिए है। तो हम चलेंगे 1 by 1। मैंने इतना लंबा तो कभी नहीं किया कवर, लेकिन इसको एक तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून, ये दोनों मुझे कवर करने हैं दोनों ही। अब यहाँ देखिए, आप रोड की कंडीशन देख के आप समझ ही सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट इसमें काम हो चुके हैं और बहुत ही स्मूथ इसमें ड्राइव है। बीच बीच में मीडियन में इन्होंने कुछ किलोमीटर के बाद स्पेस छोड़ा हुआ है, जैसा मैंने KMP पर भी देखा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसे खोला जा सके। और जितने भी एक्सप्रेस वे है या हाईवे है उसमें आपको इमरजेंसी कॉल की फैसिलिटी मिलती है 1033-1033। उसमें किसी भी प्रकार की इमरजेंसी, गाड़ी ख़राब होना या गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, तबीयत ख़राब होना, तो उसके लिए आप 1033 पे कॉल मिला सकते हैं। वो आपको एम्बुलेंस की सुविधा, पेट्रोल ख़त्म हो जाए उसकी सुविधा, अगर टायर पंचर हो जाता है, आपके पास स्टेपनी नहीं है तो उसको भी वो मदद करेंगे। कुछ चीज़ें चार्जेबल हैं लेकिन आपकी मदद करेंगे। तो किसी भी हाईवे पे चलते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये सुविधाएं NHAI के द्वारा दी जाती हैं, क्योंकि हम इस पर टोल देते हैं तो ये सुविधाएं हमें बेसिक चीज़ें दी जाती हैं। फेस 1 की हम बात कर रहे थे, इसकी जो डेडलाइन है वो है December 2025 तक, और हो सकता है इसमें कुछ पार्ट को जल्दी ओपन कर दिया जाए पब्लिक के लिए। जैसा आप देख ही रहे हैं इसमें जो रेडी पार्ट्स हैं उसमें से एक ये भी है जो कि आने वाले कुछ महीनों में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो हो सकता है इसका कुछ पार्ट जो है पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊँगा। अब हम पहुँच गए हैं NH 352A। ये जो लोकेशन है ये है NH 352A जींद गोहाना रोड। इसके ऊपर से जो बनाया जा रहा है ब्रिज, जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, हम इस लोकेशन पर हैं। ये है जींद गोहाना रोड और ये है पुराने वाला जींद गोहाना रोड। जो नए वाला 352A बनाया जा रहा है वो इससे अलग है। इस पर एक साइड देख सकते हैं, एक साइड जो रोड है वो चलने लायक है। ये है जींद गोहाना रोड, ये जींद की साइड जाते हुए, और अगर इस साइड देखें तो गोहाना सोनीपत की साइड जाते हुए 2 लेन का ये हाईवे है। और यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो हम NH 352A नई वाले पर, ये लोकेशन जिस पर अभी हम हैं NH 352A जींद गोहाना रोड एग्जिस्टिंग वाला। और इससे हम आगे चलेंगे जहाँ पर ये पैकेज एंड होता है, ये वाला पॉइंट, ये है जींद गोहाना रोड नई वाला, सोनीपत जींद गोहाना इस साइड जाने के लिए। यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन बनाया जा रहा है, पुराने वाले पर नहीं है, नए वाले पर
इसका इंटरसेक्शन बनाया जा रहा है। यहाँ मैं नेक्स्ट अपडेट आपको यहीं से शुरू करके दिखाऊंगा पैकेज 3 का। ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था पैकेज 2 में मैक्सिमम हिस्सा मुझे कंप्लीट ही दिखाई दिया है। फिलहाल यहाँ से एक एग्जिट इन्होंने बनाई हुई है अपनी व्हीकल्स के लिए, और आने वाले टाइम पर यहाँ पर एंट्री एग्जिट नहीं होगी। नए वाला जो NH352A है उसी पर इसकी एंट्री एग्जिट बनाई जाएगी। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के आगे के जो पैकेज है उनका भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। NH352A का भी मैं अपडेट आपको सोनीपत से लेके और जींद तक मैं आपको देता हूँ इसका अपडेट, कितना इसमें काम हो गया है। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताना, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाए वो भी मुझे सजेस्ट करना। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।